हाय फ्रेंड, आज हम रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से एक रिमोट कंट्रोल स्विच बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे रिमोट कंट्रोल स्विच रिमोट कंट्रोल गाड़ी की रिमोट से बनाया जा सकता है। देखिए, ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी का ये मोटर है और ये शाफ्ट है। इसमें हम एक पिन को काट कर और एक वायर को लपेट दिया है और इसका कनेक्शन इस मोटर की शाफ्ट से किया है और एक वायर हम और जो कि ये नट बोल्ट की सहायता से कस दिया मोड़ कर और इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। इसके पश्चात जो पहले कनेक्शन था गाड़ी का वो वैसे रहने देते हैं। जो सेल का कनेक्शन होता है उस सेल के कनेक्शन को वायर को निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात हम एक सैमसंग या किसी कोई मोबाइल चार्जर से उसे कनेक्ट कर देते हैं। जो ब्लैक वाला होता है उसे ब्लैक वाले से और मतलब कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। इसमें जो रेड कलर का वायर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक कलर का वायर है वो नेगेटिव है। तो हमारा जो सैमसंग का चार्जर है उसमें पॉजिटिव जो वाइट कलर का वायर है वो पॉजिटिव है और जो ग्रीन कलर का वायर है वो नेगेटिव है। तो हम इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन कर दिया है। अब हम इस स्विच का कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। जो हमने एक दो वायर लेते हैं, एक वायर को इस प्रकार इस जो अलग से वायर का सार नट बोल्ट की सहायता से उसमें एक कनेक्ट कर देते हैं और एक किसी पत्ती में वायर को लगाकर इस मोटर में लगा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जिसे आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाती है। इस प्रकार आप लगा देंगे तो ये लग गई। अब ये जो दो वायर हो गए, इन दो वायर के एंड को ये बच्चे देखिए, ये जो दो वायर हैं यही वायर के हम एक वायर बल्ब के डायरेक्ट तार होल्डर से जोड़ देते हैं और दूसरा जो वायर बचेगा हम बल्ब का एक वायर बचेगा और एक वायर हमारा डायरेक्ट इस रिमोट कंट्रोल गाड़ी में जो लगाया है तो वो बचेगा। देखिए, हमने इस वायर को लगा दिया है। अब लगाने के बाद हम अब इन दोनों को लगाते हैं। देखिए, ये रिमोट का ये बल्ब का है, ये बल्ब है हमारा, ये बल्ब का देखिए वायर आया है, ये एक वायर आया है डायरेक्ट, ये इससे कनेक्ट कर दिया जो कि ये मोटर से लगा है। देखिए ये वाला कलर, ठीक। अब ये ब्लू कलर का वायर है, इसको कनेक्ट करना है हमें डायरेक्ट बोर्ड से और दूसरा वायर जो बचा है हमारा बल्ब का उसको भी कनेक्ट करना है हमें बोर्ड से। देखिए, हमने ये बोर्ड में कनेक्ट कर दिया और ये चार्जर को भी बोर्ड में लगा देना। अब देखिए लगा दिया है। अब हमने रिमोट कंट्रोल गाड़ी का वो लिया, रिमोट लिया है। अब इसको दबाएंगे और बल्ब जलेगा। यहाँ से कायदे से तार नहीं लगा, जैसे ही लग जाएगा तो ये जलेगा। देखिए ये जल रहा है। अब रिमोट से हम बंद करेंगे और चालू करेंगे। ये देखिए बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया। 10 मीटर की दूरी से आप कहीं से भी चालू तथा बंद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इस प्रकार घर में आप रिमोट कंट्रोल स्विच सर्किट बना सकते हैं। इसमें कूलर, पंखा, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।